फ्लैट बुक कराया था एस सिमना कंस्ट्रक्शन बिल्डर के पास से, प्रवीण पारसमल जैन, विक्रम अमृतलाल जैन और अशरफ कुरैशी दोनों के नाम से बैंक ने लेटर इशू किया। कम से कम 10 लेटर बैंक के रेगुलरली गए, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब भर दिया था। 2015 में मेरा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, उसके बावजूद भी पैसा मांग रहा है। आप कोई भी पुलिस स्टेशन से करेस्पोंडेंस करो, आप पेपर दो और उसका जवाब दीजिए। और आप मेरे पास आना भी नहीं, मुझे धमकी भी दे रहा था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। पेपर क्या होता बता आपको? नहीं नहीं दोस्तों, डोंगरी पुलिस ने 3 बिल्डर डेवलपर के नाम पर FIR लिखा है। वैसे आपको पता है कि बिल्डर के लोग कैसे होते हैं, स्पेशली डोंगरी और एरिया के, मझगांव डोंगरी ये सब एरिया के, आपके बिल्डरों को आपने देखा है सुना है कैसे कैसे इलीगल बिल्डिंग बनाते हैं। आपने 10 सिर वाला राक्षस सुना है, मगर ये बिल्डर जो रहते हैं इनके ना 10 पेट अलग अलग रहते हैं, इनको भरता नहीं है। लोगों को के साथ ज़्यादा पैसा लेना, सुविधाएँ कम देना, क्वालिटी ख़राब रखना, फ्रॉड करना। अभी 420 का केस जो 3 बिल्डर पर लिखा है, 3 बिल्डर डेवलपर पे लिखा हुआ है। हम आपको बता दें ये बिल्डिंग है डोंगरी सेंट जोसेफ स्कूल के सामने, एक टावर बना है शांति चंद्र हाइट, आप वहाँ से गुजरते हुए बहुत बड़ा टावर बना हुआ है। तो उनकी जो 3 बिल्डर डेवलपर है, प्रवीण पारसमल जैन, ये एक मेरे ख्याल से कोई ज्वेलर फैमिली से बिलीव करते हैं, विक्रम अमृतलाल जैन और अशरफ कुरैशी, ये 3 बिल्डरों पे इतना बड़ा टावर बनाने के बाद भी एक FIR होती है 420 की। बात करते हैं, हमारे साथ श्रवण गांधी जी हैं जिन्होंने, इनका ये आरोप है, इन्होंने FIR ये बनाया कि इनका फ्लैट इनका, पैसा इनका, लोन इन्होंने निकाला, मगर बिल्डरों ने जो इनको जगह नहीं दी और भाड़े पे दे दी। बात करते हैं श्रवण गांधी जी से। श्रवण भाई जरा शॉर्ट्स में बताइए आपके साथ क्या हुआ है। मैंने सर 2010 में एक फ्लैट बुक कराया था एस सिमना कंस्ट्रक्शन बिल्डर के पास से, फिर वो जो बिल्डर था अशरफ कुरैशी, उसके पास कुछ फंड का इशू था, तो उसने ये अशरफ कुरैशी के पास तो उसने ये जो प्रोजेक्ट है भेज दिया प्रवीण पारसमल और विक्रम जैन को। अच्छा। ये दोनों ने पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली 2016 में। हाँ। उसके बाद इन्होंने बिल्डिंग 2016 में पैसा आपने उसको अशरफ को दिए, उसके पहले मैंने अशरफ को दिया था और 2016 के बाद एक चेक प्रवीण जैन को दिया। उसके बाद मेरे पास फंड कम था, मैंने तो आम आदमी हूँ, तो मैंने बैंक से लोन निकाला था 20 लाख का, उसमें से एक पेमेंट इनको गया और बाकी पेमेंट के लिए जब बैंक वालों ने जब भी डिमांड लेटर मांगा तो इन्होंने डिमांड लेटर दिए नहीं। किसने नहीं दिया? प्रवीण पारसमल जैन और विक्रम जैन ने, ठीक है, दोनों के नाम से बैंक ने लेटर इशू किया। कम से कम 10 लेटर बैंक के रेगुलरली गए, रेगुलर 6 मंथ के इंटरवल पे, कि भाई आप मुझे डिमांड लेटर दो तो हम लोग पेमेंट रिलीज कर दें, बाकी का पेमेंट। तो इन्होंने डिमांड लेटर दिया ही नहीं और एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड मेरे पास करने लगे। मेरे पास कुछ 18 लाख रुपए लोग एक्स्ट्रा मांग रहे थे। अभी मैं गरीब आदमी कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा लेके आऊंगा? अशोक पुरैशी से आपका तो आपका एग्रीमेंट साइन हो गया था, एग्रीमेंट पूरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया था। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी भी भर दिया था, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब भर दिया था। 2015 में मेरा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बावजूद भी पैसा मांग रहा है। और उसके बाद भी मैंने जब रेरा में कंप्लेंट डाला तो रेरा में भी ये लोग बता रहे कि ऑन पेपर ये बता रहे कि बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं है। अच्छा। और 3-4 बार रेरा में इन लोगों ने एक्सटेंशन लिया, प्लस जो अशरफ कुरैशी कर गया वो अभी इंडिया में है ही नहीं बिल्डर। अच्छा। वो भार्गव है, कहाँ पर है वो, कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, इंडिया के बाहर है, लेकिन अभी भी रेरा में जहाँ भी पेपर पे है साइन उसकी बता रहे, साइन उसकी आ रही है, तो जाली साइन है, हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी जब मेरी FIR हुई तभी भी वो तो डिजिटल साइन भी चलता है ना बहुत सारी, वो तो अभी 2 साल पहले आया, लेकिन 2021 में कहाँ से आ गई साइन उसकी। अच्छा, तो अशरफ ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया होगा कि जब इन लोग ने बनाया, अशरफ उसका कनेक्शन खा दिया क्या? वो मालूम नहीं, 2016 में लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ था। यानी अभी आपकी बात प्रवीण और विक्रम से ही हो रही है? हाँ, अभी जो नए एग्रीमेंट हो रहे हैं ये दोनों ही कर रहे हैं, यानी उनके पास अथॉरिटी है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो अभी ये तो FIR तो 29/2 को है। हाँ, यानी एक महीने पहले की है। हाँ हाँ, तो अभी क्या पोजीशन है इसके FIR की? अभी भी इन लोग को अरेस्ट नहीं किया है डोंगरी वालों ने। आपने बताया था कि ये आपने कंप्लेंट कब दी, फिर आपने 2016 से? मैंने पहले कंप्लेंट दी थी 2 अगस्त 2023 में, जब मेरा डोंगरी पुलिस क्या कंप्लेंट दी थी आपने? इन्होंने मेरा फ्लैट मुझे पूछे बगैर किसी और पर्सन को भाड़े पे चढ़ा दिया। तो उस टाइम FIR क्यों नहीं हुई? उस टाइम में भी FIR की नहीं इन्होंने। आपने वर्बली बोला कि लिख के दिया? नहीं, राइटिंग में दिया था मैंने कंप्लेंट, फिर भी कोई एक्शन हुआ नहीं, तो मैंने वुमेन काउंसिल में मेल डाला था। दोस्तों एक हम आपको स्पेशल चीज बता देते हैं कि जो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं बहुत सारे लोग वर्बली बात करके आते हैं। आप कोई भी पुलिस स्टेशन से करेस्पॉन्डेंस करो, आप पेपर दो और उसका जवाब दीजिए, एप्लीकेशन दो, थप्पा मारा, एप्लीकेशन लेना था, एप्लीकेशन लेना उनका काम है, आप कुछ भी लिख के दो, कुछ भी एप्लीकेशन करें, एप्लीकेशन थप्पा मारना काम है, कार्रवाई नहीं कार्रवाई वो दूसरी बात है, वो बात की बात है।
तो कभी भी आप पुलिस स्टेशन से डील करो तब थप्पा मरवा के दो। अभी कल के मेरे पास एक केस आया था, वो गया पुलिस स्टेशन में बाहर ही बाहर, हवलदार से पूछा, हवलदार ने कॉन्स्टेबल ने उसको कुछ बोला, वो चले गया। तो पुलिस स्टेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, स्टेशन हाउस कहते हैं, उस स्टेशन हाउस के अंदर जाके आपको बैठ के पूरी बात बताना है। आजू बाजू पहचान नहीं, स्टेशन हाउस ही जिम्मेदार रहता है एफआईआर के लिखने का और ये करने का। आप उसको आपकी शिकायत दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं बात। फिर अक्टूबर 2023 में क्या हुआ, जो मेरा बैंक लोन था तो मैंने अपने रिश्तेदार से इधर उधर से पैसा उठा के बैंक में जमा कराया। फिर चेक जो अमाउंट का बैलेंस अमाउंट का जो चेक था 16.5 लाख का, वो चेक लेके मेरे साथ में मेरे दो पहचान वाले भी थे उनको साथ में लेके गया। फिर वहाँ पे उन्होंने मैंने उनको चेक दिया बिल्डर को कि भाई आप ये पूरा चेक रखो और मुझे पजेशन दो, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर लिटरली बोल दिया कि मैं आपको पजेशन नहीं दूंगा, जब आपको जा जाना जाओ, और आप मेरे पास आना भी नहीं, मुझे धमकी भी दे रहा था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके धमकी। मैं और मेरी वाइफ साथ में थी क्योंकि मेरी वाइफ के नाम पे फ्लैट है जी। और मेरे साथ दो विटनेस भी थे, उनके सामने इन्होंने ये बताया। तो जाके मैंने डोंगरी पुलिस स्टेशन में एनसी लिखाई। एनसी लिखाने के बाद 3 महीना प्रोसीजर चला। फिर फेब्रुआरी 2024 में इन पे एफआईआर हुई है। लेकिन एफआईआर होने के अभी बाद 1 महीना हो गया, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया बिल्डर को किसी को डोंगरी पुलिस स्टेशन ने। क्योंकि जबकि 400 मैंने इंक्वायरी रेगुलरली मैं 4-5 दिन से जा रहा हूँ, लेकिन बोला अभी तक स्टेटमेंट ही नहीं लिया है, ऐसे बता रहे हैं। बोले नहीं मुझे समय नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, ऐसे बता रहे हैं। ये पारस ज्वेलर्स वाले हैं, वही है क्या? हाँ 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 वही है, वही है। कौन पारस ज्वेलर? जो मेमनवाड़ा में शॉप है। अच्छा हाँ वही है। और यहाँ पर भी दो पारस शॉप है ना लाइन में, अभी पे लाइन में? नहीं वो उनके ससुर जी का है। गुरमल? हाँ वो उनके ससुर जी है, गुरमल ज्वेलर्स वाले उनके ससुर जी। हाँ अच्छा। तो इन्होंने अभी टोटल आपने कितना दे चुका है उनको? एक तो अशरफ को आपने कितना दिया था? अशरफ को दिया था 17,92,000 कुछ समथिंग था। हाँ। और अभी बैलेंस जो 16 लाख समथिंग मेरा बैलेंस था, वो पूरा चेक बना के मैं लेके गया था उनके पास। यानी इन्होंने लिया नहीं आपसे? लिया नहीं और डिनाई कर दिया। यानी इन्होंने पैसे कुछ नहीं लिया आपसे? नहीं, चेक ही नहीं लिया, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपको टेनेंट नहीं माना? अच्छा, आपको ये कब पता चला कि आपका घर दूसरे को भाड़े पे दे दिया? क्योंकि जिसको भाड़े पे दिया था वो मेरे कस्टमर के पहचान वाला ही था, तो मुझे वाया वाया किसी से पता चला कि तुम्हारा फ्लैट भाड़े पे दिया करके। तब मैंने जाके इंक्वायरी किया तो मैंने देखा कि हाँ सही में बात। हो सकता है ये केस इन्होंने एंटीसेप्टिक बिल भी ले लिया, ऐसा पता है आपको? नहीं मुझे पता नहीं इसके बारे में, हो भी सकता है शायद। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे पुलिस अरेस्ट नहीं किया? आपको तो कोर्ट से डिटेल, आपको ऑफिसर से पूछे? ऑफिसर से पूछा, उन्होंने बोला अभी तक स्टेटमेंट नहीं लिया है। कौन से ऑफिसर थे वो? वो फुंदे सर करके थे। अच्छा, उन्होंने बताया कि अभी तक? हाँ उन्होंने बताया मुझे कि अभी तक मैंने स्टेटमेंट नहीं। हाँ मैं रेगुलर जा रहा हूँ हर तीन चार। आप एक काम करें, आप है ना कोर्ट में केविट फाइल करें। ओके। केविट क्या होता है पता आपको? नहीं नहीं। केविट ये होता है कि अगर आपको, अगर सामने वाला आपको बिना बताए अगर वो एंटीसेप्टिक बेल लेने आएगा तो कोर्ट आपको इन्फॉर्म जरूर करेगी। अच्छा। कि भाई ये आप इस पे कंप्लेनेंट हो, उसका बहुत नॉर्मल चार्ज रहता है, बड़ा वकील से पैसे भी नहीं। जब भी ये या तो एंटीसेप्टी लेगी या बेल लेगी तो आपको जरूर खबर होगी, कोर्ट से आपको लेटर आएगा। ओके। तो ये आप एक फाइल कर दो तो आपको ये पता चलेगा। ठीक है। और उसमें आप अपना जो है एक एडवोकेट खड़ा करो आपकी तरफ से। ओके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो रहते हैं, मगर उनको हेल्प करने के लिए आप अपना एक करेस्पोंडेंस एडवोकेट भी खड़ा करो जो कोर्ट के सामने बराबर पेश कर। ओके ओके। ठीक है ना? ठीक है। तो अभी यानी प्रवीण ने आपसे पैसे नहीं दिए? जो एक्सेप्ट ही नहीं किया ना उसने, चेक लिया ही नहीं उसने। एक होता ना कि पैसे लेके नहीं दिया, मगर नहीं यानी बाकी जो बैलेंस पेमेंट था मेरा ऊपर के पैसे रहते ब्लैक में, वो ले लिया। वो बाकी तो सब चले गया। देखो सबको मालूम है। हाँ वो तो जाता ही है। वो सब लिया प्रवीण लिया कि इसने लिया? वो पहले अशरफ ने ही ले लिए थे। और ये प्रवीण के हाथ में एक भी पैसा नहीं गया? नहीं प्रवीण के हाथ में भी चेक गया ना, बैंक लोन का चेक गया एक। वही तो पूछा। हाँ एक वो गया है कुछ 4,12,000 का। 4,12,000 उसने कैश करवा लिया, मतलब डलवा लिया। हाँ हाँ वो गया ना, उसके बैंक के लोन के पैसे ले लिया। ठीक है ठीक है। तो आप ये करें ना तो फिर इसको सिविल में डालने की कोशिश करें। नहीं नहीं नहीं, सिविल है ही नहीं ना ये। तो दोस्तों देखिए ऐसी कहानी हर बिल्डर के लिए, बड़े बड़े लोग हैं, प्रवीण पारसपाल जैन, विक्रम अमृतलाल जैन, ये कौन है? विक्रम अमृतलाल जैन कौन है? ये भी इसके पार्टनर ही है। अच्छा। और अशरफ कुरैशी? अशरफ कुरैशी बॉम्बे में नहीं है, इंडिया के बाहर है ये कह रहे हैं। तो वो भी आरटीआई भी मारा था रेरा में, तो उन्होंने जो 3 बार एक्सटेंशन लिया है तो किस बेस पे एक्सटेंशन लिया इसके लिए मैंने आरटीआई डाला था। तो बिल्डिंग तो पूरी कंप्लीट है, फिर एक्सटेंशन क्यों ले रहे हैं? तो वही पता नहीं चल रहा है ना। तो वो लोग सोसाइटी बनी है, अभी मैंने देखा विशु प्रोग्राम हो रहे थे, गणपति होली सब वाले भी एक्सटेंशन दे रहे हैं रेगुलर उनको। हाँ यानी कितना भ्रष्टाचार चल रहा है अपने यहाँ पे जी।
रेरा में भी मैंने जब RTI डाला तो वहाँ पे बताया गया 21 में एक्सटेंशन लिया है, 23 में एक्सटेंशन, और अशरफ की साइन है जबकि अशरफ यहाँ पे है नहीं बॉम्बे में, तो उसकी साइन आई कहाँ से? तो दोस्तों ये रहता मसला है जी, तो दोस्तों ये लगता है ये ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स का यही रहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, पैसे ले लेते हैं, मगर छूट फूट के लिए जो है अपना नाम खराब करते हैं। एक बिल्डर के नाम पे अगर FIR होती है 420 तो मार्केट में उसका नाम बहुत ख़राब होने लगता है। कहीं ना कहीं इन सबको ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा जो है 10 पेट की जो मैंने बात की थी, 10 पेट नहीं रखे भाई सबका जो है वो। कि आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है, आप कुछ राय देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। सलीम शेख, गली न्यूज़।